फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आइसक्रीम सॉन्देश, जो खाने में मीठा हो और आइसक्रीम की तरह ठंडा हो। गर्मी के मौसम में कुछ ऐसा स्वीट मिल जाए जो टेस्टी तो ही और आइसक्रीम की तरह ठंडा भी हो। तो हम बनाते हैं आइसक्रीम सॉन्देश। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 400 ग्राम छेना। ये सॉफ्ट होना चाहिए। मैंने इसे 2 लीटर दूध से बनाया है और बहुत ही सॉफ्ट है। इसे हम मिक्सर में पहले ग्राइंड करके बारीक कर लेंगे। हाथ से भी इसे हम मैश कर सकते हैं। मैं छेना को मिक्सी में ग्राइंड करने के लिए डाल रही हूँ। छेना सूखा हुआ ड्राई होना चाहिए। ये आपका पीसने के लिए थोड़ा लिक्विड चाहिए, तो इसमें हम दूध डालेंगे। दूध में थोड़ा सा फ्लेवर के लिए सैफ्रॉन डालेंगे। अगर आपके पास सैफ्रॉन नहीं है तो आप इलायची भी यूज कर सकते हैं। इसे आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी स्वीटनेस के अनुसार। जितना मीठा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। Thank you.
25 मिनट्स के लिए स्टीम कर लेंगे। आप स्टीम करने की विधि मेरे पिछली रेसिपी पप्पा दही में देख सकते हैं। अब इसे मैं 25 मिनट्स पर, ये हमारा आइसक्रीम सॉन्देश स्टीम हो चुका है, मगर इसे हम अभी कवर से बाहर नहीं निकालेंगे, इसे ऐसे ही कवर रहने देंगे। जब ये पूरी रूम तरह से रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम इसे डीप फ्रीजर में रखकर पूरी तरह से 2 घंटे के लिए चिल करेंगे और उसके बाद इसे काट कर हम सर्व करेंगे। आइसक्रीम सॉन्देश तैयार हो गया है, इसे हम काट कर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।